हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये अफ़गानी सलवार है, इसकी मैं अफ़गानी सलवार बनाऊँगी इस कपड़े की। चलिए निशान लगा के बताती हूँ। ये हिप्स है, हिप्स के अकॉर्डिंग मैंने नाप लिया 11 इंच। इसमें मैंने 3 इंच ऐड किया, ये टोटल हो गया हमारा 14 इंच। ऐसे ही मैं नीचे से भी 14 इंच का निशान लगाऊँगी। ये मैंने लगा दिया 14 इंच का निशान। चलिए इसे बराबर लाइन खींचती हूँ। ये मैंने लाइन खींच दिया और ऊपर से मैं अब 2 इंच लास्टिक के लिए छोड़ूंगी जगह। और अब आसन का निशान लगाऊंगी। ये सीधी लाइन खींच दिया मैंने, अब चलिए आसन का निशान लगाती हूँ। आसन मैंने 12 इंच लिया है, देखिए 12 इंच की इसकी लंबाई है। और 2.5 इंच मैंने चौड़ाई लिया, यहाँ पर गोलाई बनाया, क्योंकि फ्रेंड कम कपड़ा है इसलिए मैं अपने हिसाब से कटिंग कर रही हूँ। मैं देखिए ये 2.5 इंच का निशान है यहाँ से। और ऐसे ही अब जैसे हम पोंछे रखेंगे, पहले तो हम लंबाई लेंगे इसकी, जितनी हमें लंबी सलवार पहननी है। ऊपर से 2 इंच छोड़ के जितनी लंबाई है पूरी लंबाई लेंगे हम और निशान लगाएंगे नीचे। देखिए 6 इंच है तो 6 × 12, 12 इंच की चौड़ाई लूंगी मैं नीचे से। नीचे से मैंने 12 इंच चौड़ाई ले लिया। अब फ्रेंड ऐसे तिरछा करके निशान लगाऊंगी। मैंने निशान लगा दिया, चलिए कटिंग करके दिखाती हूँ मैं। देखिए यहाँ से कटिंग करूँगी मैं, क्योंकि कम कपड़े की सलवार बना रही हूँ फ्रेंड, ये कम कपड़ा था। देखिए ये अफगानी सलवार कट गई, ये ऊपर लास्टिक लगेगी और नीचे यहाँ चुन्नट डल जाएगी। बिल्कुल आसान तरीके से बनाऊँगी फ्रेंड, आप मेरे चैनल पर बने रहिए। देखिए मैं अब सिलाई करके दिखाती हूँ। पहले मैं आसन सिलूँगी इसका, जो आसन है पहले इसकी सिलाई करूंगी मैं। इसको ऐसे ही सिलते चली जाऊंगी सारा। देखिए ये आसन सिल दिया मैंने। देखिए दूसरा आसन सिल रही हूँ। दोनों तरफ आसन एक साथ जोड़ूंगी मैं। देखिए ये आसन सिल गया दोनों तरफ से। चलिए यहाँ पर मैं लास्टिक डाल के दिखाऊंगी आपको मैं। देखिए ये मैंने कमर के अकॉर्डिंग लास्टिक कटिंग कर ली है। अब इसको जोड़ दूंगी, अच्छे से जोड़ूंगी ये जाके खुले ना। अच्छे सिलाई लगा दूंगी इसकी। देखिए लग गया। अब पहले लास्टिक डाल के दिखाती हूँ मैं आपको कैसे लास्टिक डलेगी इसमें। ऐसे थोड़ा सा मोड़ के और इसमें लास्टिक सिलती चली जाऊंगी।
देखिए साइड साइड में सिलाई लगाती चली जाऊंगी, लास्टिक के ऊपर नहीं लगाना सिलाई, सिर्फ कपड़े पर ही लगाना है। ऐसे सिलाई लगाती चली जाऊंगी मैं। देखिए फ्रेंड्स लग गया सिलाई ये। अब चलिए आपको नीचे मोरी बना के दिखाती हूँ, जो सलवार की मोरी है, अफगानी सलवार की मोरी है वो बना के दिखाऊंगी। यहाँ पर हल्की हल्की चुन्नट डालूंगी मैं, बिल्कुल कम कम चुन्नट डालना फ्रेंड्स। ये इतनी चुनर डालनी है कि ये लगभग 12 इंच इसकी चौड़ाई होनी चाहिए टोटल सिंगल में। देखिए डलगी चुनर ये। चलिए सिलाई लगाती हूँ, पोंछे बनाती हूँ इसके। ये मैंने कपड़ा दे दिया है, ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है। चलिए बना के दिखाती हूँ इसके पोंछे। ये 1.5 इंच की पट्टी है, देखिए इसके ऊपर घुमा के सिलाई लगा रही हूँ मैं, इसी कपड़े को फोल्ड करके। देखिए कटिंग कर लिया मैंने, चलिए लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे से आगे फोल्ड करेंगे हम इसको, चुन्नट पर लगा के पीछे से आगे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने उल्टे तरफ से लगा रही हूँ मैं। देखिए ऐसे फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगाऊंगी इसके मैं। देखिए फ्रेंड्स लगा दी मैंने सिलाई, अब इस पे मैं लैस लगाऊंगी। दोनों मैंने पैर बना लिए, पोंछे दोनों बना लिए मैंने पैरों के। इस पर लैस लगाऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग इस पर लैस लगा सकते हो। अगर आपको लैस पसंद नहीं है तो आप बिना लैस के भी इस अफगानी सलवार को बना सकते हो। देखिए फ्रेंड्स लग गई लैस,
मैंने दोनों पोंछों में लैस लगा लिया ऐसे। अब इसको कवर करूंगी मैं। चलिए आसन की सिलाई लगा के दिखाती हूँ मैं। बहुत आसान तरीका है अफगानी सलवार बनाने का, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। ये देखिए, इसकी इलास्टिक खींच के इसकी इलास्टिक पर लगाऊंगी मैं सिलाई। सिलाई लगाने से इलास्टिक हिलती नहीं है, ऐसे खींच खींच के सिलाई लगाती चली जाऊंगी बीच में। ऐसे पूरे में इलास्टिक सिलाई लगाऊंगी मैं। देखिए लग गई सिलाई, दिखाती हूँ मैं आपको कितनी प्यारी अफगानी सलवार बनी है ये। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बनाया ये सलवार। आप भी ऐसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कैसी बनी है ये सलवार आपसे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड। ऐसे मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आती रहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।